मैं ओवर टू नेक्स्ट करेक्शन पे जा रही हूँ. अक्सर आपकी आंखें इतनी प्यारी हैं, मगर अगर आपको लगता है कि छोटी हैं और आप उसको कैसे बड़ा बना सकते हैं मेकअप के थ्रू, सो ये एडवांटेज आपके पास है और यही वीनस सिखा रही है हमें जी. अच्छा, सबसे बड़ी मिस्टेक जो लोग करते हैं उनको लगता है कि काजल लगाने से जो है वो आंखें बड़ी लगती है. बिल्कुल ठीक है. जिन जिन लोगों की आंखें छोटी हैं, प्लीज आप काजल की जगह व्हाइट पेंसिल का इस्तेमाल करें. अगर व्हाइट बहुत ज्यादा शार्प लगती है आपको तो न्यूट कलर आता है, आप वो इस्तेमाल करें. मगर काजल से आपकी आंखें बड़ी नहीं लगती, छोटी लगती. मतलब मेरे साथ तो उल्टा हो जाता था, मुझे ये चीज नहीं पता थी. मेरी आंखें बड़ी थी और मैं काजल लगाती थी तो वो छोटी हो जाती थी. ऐसा होता है बिकॉज ये मिसकॉन्सेप्शन है बहुत लोगों के अंदर के जी काजल लगेगा तो आंख बड़ी लगेगी. ऐसा कुछ नहीं होता. तो आप भी हमें सिखाओ कि छोटी आंख को बड़ा कैसे करें. सबसे पहले तो हमने आईलैश लगा ली है इसकी ऑलरेडी. हाँ, मैंने एक बारीक सी आईलैश लगाई है. अच्छा, छोटी आंख के ऊपर कभी भी बहुत मोटी लैशेज नहीं लगती. हाँ, अलॉट ऑफ टाइम्स पीपल थिंक के जी हमारी आंखें छोटी है तो हम बड़ी बड़ी पलके लगा लेंगे तो आंख बड़ी लगेगी. लेकिन नहीं, जितनी मोटी और जितनी भारी पलक होगी उतनी आंख दब के छोटी हो जाएगी. यू हैव टू टेक बहुत पतली और या तो मीडियम थ्रेड वाली जो है वो लैशेज. अभी मैंने एक मीडियम साइज की लैशेज इनके आंख पे पहले से लगा दी है ताकि हम आंख को बड़ा करने पे फोकस करें. ओके ठीक है. हाँ. अच्छा, सबसे पहले तो एक और चीज, अनदर थिंग व्हिच आई वांट टू मेंशन इज लेके बहुत ज्यादा जो है वो स्मोकी आईज भी आंख को छोटा दिखाती है. छोटा दिखाती है. हाँ, तो आपने ये टेक केयर करनी है कि आपने आंख को जो है वो, ये मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रही हूँ ताकि लोगों को समझ आए कि इतना पोर्शन जो है आंख का वो लाइटर आई शेडोज में खेलना है. ठीक है. एंड देन ये जो पोर्शन है बेशक आप इसके ऊपर थोड़ा सा डार्क जा सकते हैं. ओके, तो फिर आपकी आंख बड़ी लगेगी. हाँ, एक लिफ्ट भी आ जाएगी. हाँ, और इसी शेड के पैटर्न पे आपका आई शेडो लगना चाहिए, लाइटेस्ट अंदर और डार्क बाहर. तो उससे क्या होगा, आंख आपकी खुली रहेगी. जहां आपने लिट के अंदर डार्क कलर दे दिया वहां आंख बंद हो जाती okay. है. तो आपकी लिड्स जो है वो हमेशा ब्राइटर शिमरी शेड्स के साथ होनी चाहिए. ठीक है. जैसे कि ये शेड्स हैं, मैं आपको बताती हूँ. शेड्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ये वाले जो शेड्स हैं लाइट वाले जो लाइटर ब्राइटर इफेक्ट देते हैं वो आपने लिट पे लगाने हैं. दोबारा फिंगर रख के बताओ जी. ये इस तरह के लाइट लाइटर ब्राइटर. ठीक है, अगर आपने ये डार्क शिमरी लगाया तो आंख बंद हो जाएगी. ओके ठीक है, ये बेसिक तमीज है बड़ा दिखाने के लिए. ठीक है. अच्छा, अब मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ. कंसीलर भी तुमने ना ब्राइट अंदर दिया है, ब्राइट कंसीलर और थोड़ा डार्कर आउटर वो रखा है ना. नहीं तो हम लोग एक ही कंसीलर लगा देते हैं पूरी आंख. क्योंकि बहुत छोटी जिनकी लिड्स है ना ये उनके लिए. ठीक है. ठीक है, अब हमने इसी तरह लाइटर शेड जो है शिमरी वो आंख पे अंदर की तरफ दिया. ठीक है, ये आप देखें. हाँ, और इनर कॉर्नर ऊपर देखो, इनर कॉर्नर को जरा सा ज्यादा शिमरी रखें, देखें नीचे तक. तो ये क्या होता है, यहाँ से आंख को बड़ा कर देता है स्पेस. मुझे तुम एक आंख का मेकअप करके दिखाओ. बिल्कुल, मैं एक ही का दिखा, लेकिन दूसरे से फिर लैश निकाल देना ताकि फर्क तो पता चले कि क्या. बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना. हाँ, अच्छा, क्या जिनका सॉकेट एरिया छोटा है, क्योंकि इसकी आंख छोटी तो है पर सॉकेट एरिया अच्छा है, इतना नहीं है फिर भी. अच्छा, क्योंकि आईब्रो बने हुए नहीं है और बहुत छोटा स्पेस है, इससे बड़ा स्पेस होता है. अगर जिनके और भी छोटे स्पेस हो सॉकेट के तो उनके लिए भी यही मेकअप जाएगा, और भी छोटे हो. हाँ 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 ठीक है. ओके, और थोड़ा आंख से तुम बाहर निकालोगी या क्या, आईब्रो थोड़ा सा एलिवेटेड लिफ्टेड निकाल. अच्छा, अब आप देखिए ब्लेंडिंग भी वो किस तरह कर रही है, आपको भी उसी तरह करना है ब्लेंड. अच्छा, फिर उसके अलावा यही ब्राउन जो डार्क है ये मैं नीचे दे रही हूँ आंखों के नीचे. हाँ, इससे क्या होगा कि आपकी आंख जो है वो नीचे से थोड़ी सी बड़ी लगने लगेगी. ओके, डेप्थ आ जाती है ना. हाँ, अच्छा,
अब एक और मिस्टेक जो है वो लोग करते हैं वो ये कि दे थिंक कि जी लाइनर से भी आंख बड़ी लग सकती है, बट बिल्कुल छोटी आंखों पे लाइनर लगाने का एक ट्रिक है। आप इनर कॉर्नर पे लगाएं और आप आउटर कॉर्नर पे लगाएं। अच्छा। और बीच का हिस्सा अगर बहुत पतला आप ड्रॉ कर सकते हैं, अगर आपका हाथ इतना फाइन चलता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लैश से कवर अप कर सकते हैं, तो जरूरत नहीं है फिर इन दैट वे। हाँ, आपके अब जैसे मैंने इनकी लैश लगाई हुई है ऊपर देखें। अच्छा, ये जब इनर कॉर्नर आप स्टार्ट करेंगे तो थोड़ा सा आगे से करेंगे, जैसे जैसे कि यहाँ से ये देखें। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ा के। यस, ये देखें। हाँ, आंख बंद करें। और फिर इसके बाद यहाँ से बाहर की तरफ आंख बंद करो। और उसके लिए ज्यादा बेहतर है आप पेन लाइनर ले लें, क्योंकि हर किसी का बस की बात नहीं है कि इतना फाइन ब्रश से जो है वो इतनी फाइन लाइन। हाँ, अच्छा, और ये एक और भी मुझे टिप दो। अक्सर हम टेढ़ा मेढ़ा लाइनर लगता है, मैं तो स्मच कर लेती हूँ अपना। हाँ। तो जिनकी छोटी आंखें, क्या उनको लाइनर स्मच करना चाहिए कि नहीं? बहुत छोटे वाले कट ब्रश से और बहुत ऊपर तक फैला के नहीं। अच्छा, जहां लाइन है वहीं पे आप उसको स्मच करें। हाँ। अगर आप स्मच लुक चाहते हैं, लेकिन आंख की जो शुरू वाली चीज है उसको स्मच नहीं कर सकते। नहीं, यहाँ वाली है ना, इसको थोड़ा सा आप अजीब लगेगा, खुला रखें, लाइट रखें, ऊपर देखें। नीचे मैं हल्की सी ब्राउन पेंसिल दे रही हूँ, ये देखें, जस्ट टू ड्रॉ। आप देखें कि आंख यहाँ खत्म हो रही है, ऊपर देखो बेटा, ये देखें आंख यहाँ खत्म हो रही है, लेकिन मैं पेंसिल इधर नीचे चला रही हूँ। अच्छा, ताकि उसको जो है वो हल्का सा इफेक्ट आए, इसका आँख का बड़ा इफेक्ट है। और फिर उसको पेंसिल को ऊपर देखें, किसी भी ब्रश की मदद से स्मच कर लिया। और खाली स्मच कर रही हो या कोई और शेड भी लगा रही हो? नहीं, नीचे नहीं। मेरा आई शेडो पहले से मौजूद है। अच्छा, ब्राउन, ठीक है। उसके ऊपर मैंने ब्राउन पेंसिल लगाई है और अब एक सिंपल खाली एम्प्टी ब्रश लेके मैंने हल्का सा इसको स्मच किया है। स्मजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ऐसे लगेगा लाइनें लगी। ओके, ठीक है। okay. ये हो गया। अब हम जो है वो लैश कर्लर लेंगे। उसी आंख से लैश निकाल दो ना, ताकि वो फर्क हमें नजर आए। निकाल देती हूँ। अच्छा, देखें, एक और मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये कि फाइन लैशेस तो लगा लेते हैं, बट दे डोंट कर्ल इट। कर्ल करने से क्या होता है कि वो जब तक ऊपर लिफ्ट नहीं होगी वो भी आंख को दबावा इफेक्ट देती है। ओके, तो तुम्हें लगता है अभी आप देखें ये स्ट्रेट आ रही है ना। अच्छा, लैश लग के भी लैश कर्ल हो सकती है? यस। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं था। नीचे देखें, क्योंकि वो लैश उतरने से ही आपको देखें बहुत डिफरेंस नजर आ रहा है छोटी आंख का। और यहाँ से इसको थोड़ा सा लिफ्टेड रखने लैश को, हाँ, ताकि वो बड़ी लगे। अब ये लैश कर्ल होने की वजह से आंख खुल गई, आईबॉल अब प्रोमिनेंटली नजर आएगा। तुम वाइट कुछ लोगी अंदर जो बिल्कुल, तुम कह बिल्कुल, रही थी बिल्कुल, से बिल्कुल, बिल्कुल दूंगी। आई वुड बोरो द वाइट नादिया का लाइनर, बिकॉज मैंने पिछली दफा यूज किया था, बहुत मजे का था। अच्छा, अब तुम लगा रही हो मस्कारा। अब मस्कारा भी देखें कैसे लग रहा है, ऊपर की तरफ लिफ्ट करके। वाइट लाइनर चाहिए कि वाइट पेंसिल चाहिए? एनीथिंग, वाइट पेंसिल, वाइट लाइनर। तो अब अगर लाइक आम आवाम होगी वो सोचेगी मैं काजल लगा लूं तो मैं मेरी आंख बड़ी बड़ी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। व्हाइट पेंसिल लगाने से एक्चुअली, और नीचे आंख के नीचे एक शेड वेड देने से आंख बड़ी लगी। फिर वो अक्सर लोग बेस लगा के बिल्कुल चाइनीज लगने लगते हैं ना, बिल्कुल आंखों के अंदर बेस चली जाती है, उसके लिए भी बड़ा जरूरी है। ये नादिया के ब्रांड की व्हाइट पेंसिल है, ऊपर व्हाइट जेल भी है। वैसे अगर आपको, हाँ, अगर आपको थोड़ा सा शार्पर इफेक्ट चाहिए, दिस इज एक्चुअली एन अमेजिंग जेल लाइनर। मैंने लास्ट टाइम भी इनसे बोरो किया था, इससे बहुत आंख खुल जाती है। ओके, ठीक है, लेकिन अभी हम एक नेचुरल सा इफेक्ट दे रहे हैं तो हम पेंसिल लगा के देखते हैं। पहले ऊपर देखें, पेंसिल इज आल्सो काफी इफेक्टिव, पेंसिल इज आल्सो वेरी नाइस। अगर आपको एवरी डे के लिए चाहिए तो आई थिंक दिस चेहरा इस तरफ करो। यस, ये जो नादिया की वाइट वाली पेंसिल है ये देखें, ये बेस्ट है। अब आप देख सकते हैं सॉफ्ट मेकअप है, उसकी एज छोटी है, हम उस बच्ची को ज्यादा डार्क मेकअप भी नहीं दे सकते,
उसकी एज छोटी है लेकिन आप दोनों आंखों में फर्क देख सकते हैं। ये है टेक्निक आंख को बड़ा दिखाने की।